हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनम सिंह बुटीक। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम गले का नया डिज़ाइन सीखने वाले हैं। इसको बनाना बहुत ही इजी होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने टेट्रोन ले लिया है, इसको डबल फोल्ड किया हुआ है इस तरह। और अब हमें गले की कटिंग के लिए मार्किंग करनी है। इस पर ऊपर से मुझे गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखनी है। यहाँ मार्क कर लेंगे। गले की लंबाई तैयार मुझे 6 इंच रखनी है, लेकिन 1/2 इंच जब हम इसको सिलेंगे तो सिलाई में चला जाएगा, इसलिए 6.5 पे निशान लगाना है। और अब यहाँ से भी 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और ये बॉक्स बना लेंगे। अब हमें इस तरफ भी, टैटून के इस तरफ भी जो मार्किंग यहाँ सेम की है वही यहाँ होगी, दोनों तरफ कर लेना है। तो यहाँ पे भी 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। लंबाई 6.5। और इधर भी ये 2.5। अब ये दोनों तरफ सेम बॉक्स बन गया है। अब इसको ओपन करके ये बिल्कुल सेम है। थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ये लाइट हो रहा है। अब हमें गले के लिए यहाँ डिज़ाइन करना है एक, तो यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरफ, और इधर भी 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे। और अब हमें इस निशान से और यहाँ तक राउंड शेप देनी है। इस तरह अब हमें इसके आगे 1-1 इंच पे मार्क कर लेना है। इधर भी ये सारा 1 ही इंच का पोर्शन बचा हुआ है इधर। अब हमें कटिंग शुरू करनी है। पहले ये आउटसाइड से कर लेते हैं। अब ये वाली कटिंग कर लेते हैं। हमारा गला जो होगा वो इस शेप का होगा। हम ये गला बनाएंगे, ये डिज़ाइन करेंगे हमें। तो अब हमें इसको सिलने के लिए अलग से एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, और उस पर इस टैट्रोन को, गले को हमें कवर कर लेना है। कवर करने के लिए हमें सिलाई करनी होगी।
ये देखिए, ये मैंने फैब्रिक में इसको टैटर्न को कवर कर दिया है। अब हमें इसको कुर्ती पे या ब्लाउज पे जिसमें भी गला बनाना है उसमें हमें इसको रखना है। मैंने कुर्ती का फ्रंट पार्ट ले लिया है क्योंकि हम ये फ्रंट नेक डिजाइन बना रहे हैं, तो इसको ये आगे का पार्ट है, फ्रंट है ये। इसको ऐसे डबल करके और एक सेंटर मार्क कर लेंगे यहाँ पे। सेम इसी तरह से इस डिजाइन को भी डबल करके और यहाँ एक सेंटर मार्क कर लेंगे। ये देखिए, अब हमें इसको कुर्ती को इस तरह ओपन करना है और ये वाले कट जो हमने लगाए हैं, सेंटर मार्क किया है, इनको इस तरह यहाँ पे रखना है और एक पैर का गैप दे करके हमें यहाँ किनारों पर सिलाई करनी है। ये देखिए, ये मैंने इसको जॉइंट कर लिया है। ये कुर्ती का सीधा साइड था और जब हम इस गले को पलटेंगे तो उल्टी तरफ इसको पलट देंगे। तो सबसे पहले हमें इसको कट कर लेना है जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अंदर का, और उसके बाद यहाँ सिलाई के किनारे पर छोटे से कट लगाने हैं, छोटे छोटे यहाँ चारों तरफ, और फिर इसको पलट देना है। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है, अब यहाँ कट लगाने हैं ताकि इसको आसानी से पलटा जा सके। ये इसको पलट देते हैं हम। इसको ठीक से पलटने के लिए, ताकि ये रुक जाए और फूला फूला ना लगे, तो हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई निकाल के और यहाँ इन किनारों पर हमें बहुत ही यहाँ बिल्कुल किनारों पर सिलाई करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गला अभी इस तरह तैयार हुआ है। अभी ये आधा तैयार हुआ है, अभी इसमें हमें और वर्क करना है, इसको डिज़ाइन देना है अलग से। तो उसके लिए, डिज़ाइन देने के लिए हमें पहले कुछ लूप्स तैयार करनी है। ये मैंने कुछ डोरियों की तरह इनको सिला है, जैसे कि हम बारीक डोरियाँ बनाते हैं उनमें टाइजल्स लगाते हैं उस तरह से। तो ये बारीक नहीं है, ये थोड़ी मोटी करके मैंने सिली हुई है। और अब हमें इनको छोटे छोटे पीसेज इनके कट करने हैं, इनके लूप्स बना लेनी है। तो वो पीसेज कितने बड़े कट होंगे वो मैं बता रही हूँ। इन पे 2-2 इंच के गैप दे करके हमें निशान लगा लेना है ये, और हमें 2-2 इंच पर इनको कट कर देना है ऐसे ही। यानी कि इतनी बड़ी हमें ये एक पीस करना है, 2-2 इंच का हमें पीस करना है। तो इनको काट लेते हैं। इनका यूज हमें इस तरह करना है कि इनको ऐसे डबल फोल्ड करके और हमारा जो ये गला है इसके किनारे पर हमें इनको सिल देना है। थोड़ा थोड़ा सा गैप दे करके हम इनको सिलेंगे, इस तरह से रखेंगे और सिलाई करते जाएंगे। बीच में 1/2 इंच का गैप देंगे और फिर दूसरी लूप इस तरह से लगाएंगे, फिर 1/2 इंच का गैप देंगे, फिर इस तरह से। यानी कि बीच बीच में, इनके बीच में 1/2 इंच का गैप रखेंगे हम, और इन पूरे गले पर हम इन लूप्स को सिलाई कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे लूप्स हमने सिल दिए हैं, यहाँ पे लग गए हैं। अब हमें इनके अंदर डोरियों से डिजाइन देना है। तो हमें 2 डोरियां तैयार करनी है टैजल्स के साथ, और फिर उनको, इन डोरियों को इनमें डालना है। एक डोरी तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाएंगे, दूसरा यहाँ लाएंगे और यहाँ इनको टाई कर देंगे। तो वो मैं डोरियाँ इसमें डाल रही हूँ, मैंने डोरियाँ पहले से ही तैयार कर ली हैं। ये देखिए, टैजल्स के साथ मैंने डोरियाँ तैयार कर ली हैं ये। और इन डोरियों को कैसे तैयार करना है, कैसे इनको पलटना होता है, किस तरह सीधा करना होता है, क्योंकि जब हम बारीक डोरियां बनाते हैं तो सीधा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इनको सीधा करना और बनाना, किस तरह तैयार करना है, इनका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आपको वहां से मिल जाएगा। तो मैं इन डोरियों को अब इनमें यूज़ कर रही हूँ, इसका वो कैसे करना है मैं बता रही हूँ आपको।
डोरियां लेकर और इस वाले कॉर्नर से जहाँ पर ये बिल्कुल इस तरह बॉक्स बना हुआ है, इस कॉर्नर से शुरू करना है हमें और इन लूप्स में इस तरह निकालना है। कलर कॉम्बिनेशन आप कोई भी ले सकते हैं अपनी चॉइस से। इस तरह यहाँ तक निकाल के ऐसे ऐसे, और हमें यहाँ ऊपर तक ले आना है इस वाली डोरी को निकाल के सारे लूप्स के अंदर से। ये एक डोरी हमने इनमें डाल दी है, दूसरी डोरी भी हम यहीं से शुरू करेंगे डालना ऊपर की तरफ। इस डिज़ाइन को, इन लूप्स को सिलते टाइम ये बात ध्यान रखना होता है कि एक तो ये जो हमने बाहर की तरफ निकाली हुई हैं लूप्स निकाली हुई हैं, ये एकदम इक्वल होनी चाहिए, और इनके बीच का गैप जो है ये भी बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, तभी गले में फिनिशिंग आएगी, तभी अच्छा लगेगा। तो दूसरी डोरी मैं यहाँ से निकाल करके ऊपर तक ले जाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन रेडी है। ये मैंने डोरियाँ यहाँ पर टाई कर दी हैं इनको, ये डिज़ाइन बिल्कुल तैयार है। और जब हम इसको फ्रंट वाले इस पार्ट को हम बैक पार्ट में जॉइंट करेंगे, सिलाई करेंगे, तो ये डोरियाँ फिर सिलाई में दब जाएंगी और ये जॉइंट हो जाएगा अच्छे से। और प्रेस करने के बाद, इसको आयरन करने के बाद, ये और भी ज़्यादा सुंदर दिखेगा, क्योंकि अभी अभी सिलाया तो फूला हुआ सा लग रहा है। तो ये डिज़ाइन एकदम रेडी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।